दोस्तों ये जो रास्ते हैं ये बहुत ही खतरनाक और डेडलीस्ट रास्ते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स में से एक हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे ड्राइवर, अच्छे अच्छे स्किल्स वाले मात खा जाते हैं और जान गंवा बैठते हैं। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत सेफ्टी से यहाँ पर गाड़ी चलानी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो आज अपना सफ़र स्टार्ट होता है 2 दिन के रेस्ट के बाद मनाली से लेह के लिए। तो इस होटल में हम लोग रात में रुके थे, इस होटल का नाम है सेलिब्रिटी गार्डन। अगर कोई भी मनाली आ रहा तो रुक सकते हैं, अच्छा रूम मिल जाएगा, सस्ता भी मिलेगा और फैसिलिटीज़ रूम क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो चलिए, अपनी बाइकें सारी तैयार हो चुकी हैं, ये रही अनस की बाइक, ये मेरी बाइक और ये अलीम भाई की बाइक। तो हम लोगों की गाड़ियां तैयार हो चुकी हैं लेह की तरफ जाने के लिए। ऊंचे से ऊंचे पास मिलेंगे, वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, रोड कंडीशन भी बहुत ऊपर नीचे मिलेगी। तो चले चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे रोड कंडीशन कैसी रहती है। तो अपना डे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो ऑलराइट दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग मनाली के एक पेट्रोल पंप पे। सो भाई पेट्रोल टंकी पे इतनी भीड़ थी कि पेट्रोल खुद से ही भरना पड़ गया। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सोलांग वैली और आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग चल रही है ज़बरदस्त तरीके से और भीड़ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। सो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अटल टनल के अंदर में और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त व्यू आ गया, चलते हैं सुसुकी ओर। सो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं अटल टनल के बाहर और आ चुके हैं नॉर्थ पोर्टल पर अटल टनल के, और यहाँ पर देखिए क्या नज़ारा है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। तो ये रहा अटल टनल, वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं तांडी की तरफ और सामने आप देख सकते हैं पहाड़ पे नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हो गए और मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाला है। और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सामने वाले पहाड़ को देख के लगता है बहुत जल्दी 2-3 डिग्री होने वाला है। तो चलिए तांडी से आगे चलते हैं, अभी तांडी यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है और सिसु बचा है 112। तो देखते हैं आज तांडी रुकते हैं, ऐसी शुरू रुकते हैं और यहाँ पे देखे टूरिस्ट मस्त फोटो खिंचवाते हुए फुल एंजॉय करते हुए। तो आप लोग भी कभी भी अगर मनाली आ रहे हैं तो सिसु तक ज़रूर आइए, क्योंकि सिसु बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से नेचुरल जो व्यू है, जो नेचुरल नज़ारा है, बहुत ही अच्छे कैप्चर होते हैं। और तांडी बजाय 17 किलोमीटर मात्र। तो चले चलते हैं तांडी और वहाँ डलाते हैं फ्यूल अप, क्योंकि तांडी के बाद पेट्रोल पम्प मिलना मुश्किल हो जाता है। एक नया पेट्रोल पंप खुला तो है लेकिन पता नहीं अब वो चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस वजह से तांडी में ही हम लोग पेट्रोल ले लेंगे। चले चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी अचानक से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, हम लोग तांडी पहुंचने वाले थे और आप देख सकते हैं वहाँ पे स्नोफॉल आई थिंक हो रहा है ऊपर पहाड़ की तरफ, और अचानक से वेदर बहुत चेंज हो गया, मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है। तो हम लोग फटाफट कहीं रुक के जल्दी से वाटरप्रूफ होते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो तांडी यहाँ से बचा 9 किलोमीटर और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तांडी पहुँचते पहुँचते बिल्कुल धूप चली गई और ठंडक बढ़ गई, पानी भी हल्का का आ रहा, तो फटाफट हम लोग को रुकना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं वाटरप्रूफ अपने आप को, फिर आगे बढ़ेंगे रुक करके। तो दोस्तों अभी हम लोग ने रुके हैं तांडी से 8 किलोमीटर पहले और यहाँ पर अच्छी से एक कैफ़े है फूड पॉइंट 39 के नाम से। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा वाटरप्रूफ कर लेते अपने आप को भी, और सरचू यहाँ से 109 और तांडी है 8, तो हम लोग आज सरचू में रुकने वाले हैं। चले कुछ खाते हैं। तो भाई लोग लंच आ चुका है, रोटी मिक्स वेज और दाल फ्राई। तो ये रहा ज़बरदस्त लंच, और लड़के सारे बॉयज़ जो है लंच करने में जुटे पड़े हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। चलिए लंच करते हैं फिर आगे मिलते हैं। सो ऑलराइट दोस्तों अभी हम लोग हैं जिस्पा में और जिस्पा का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बारिश तो बंद हो गई खैर, बट सामने आप चंद्रभागा रिवर देख सकते हैं बह रही है और ऊपर का जो नज़ारा वो थोड़ा सा अलग है। तो ये देखिए पहाड़ों में बिल्कुल बादल धंस चुका है बहुत बुरी तरीके से,
और बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, और चलते हैं सरचू। तो आज का स्टे अपना सरचू में होने वाला है, कोल्ड डेजर्ट में। चले चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं डारचा के चेक पोस्ट पे। तो यहाँ पर क्या है, सीन ऐसा हो गया है कि वहाँ डारचा को क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बताया जा रहा है कि ऊपर स्नोफॉल भी हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग एक ये ढाबे पे रुक गए थे, अंकल जी का ढाबा है, यहाँ रुक गए थे। तो चलो अभी ढाबे पर आज रात यहीं स्टे करेंगे, फिर सुबह के वक्त हम लोग निकलेंगे वापस, खाना पीना रहना सब यही करेंगे, और सुबह के वक्त में वापस निकलेंगे डारचा के लिए क्रॉस करने के लिए सुबह 7 बजे। और बाकी ये हैट ले रखी है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं बाहर निकला हूँ, और बाहर का सीन कुछ इतना ज़बरदस्त हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार सराउंडिंग दिखाता हूँ आपको, देखिए पूरा क्लाउड 360, ये देखिए पूरा क्लाउड, ऐसा सराउंडिंग, देखिए बादल एकदम करीब में ही है, बहुत ही ज़बरदस्त सराउंडिंग है, बहुत ज़्यादा, और अभी भी हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रहा है। तो दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठा, ब्रेड, ऑमलेट, चाय और ये नज़ारे। तो रात में वहाँ पर ऊपर की तरफ में इसका फॉल हुआ था, और यहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर था। तो भाई लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों सब कुछ रेडी हो चुका और ऑलराइट, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो बाइकें सारी रेडी है, मौसम भी अपना बढ़िया हो गया है, थोड़ी सी धूप निकल आई, तो हम लोग चल रहे हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है लेह। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों रात वाला जो अपना व्लॉग था, उसको आज फिर से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, क्योंकि रात में आधे रास्ते में रुकना पड़ गया था। तो ये देखिए आ गया अपना हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज, जो कि है दारचा ब्रिज, और इस ब्रिज को जो है मनाली और सरचू को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उसका उद्घाटन माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने कराया था। तो अब हम लोग आगे निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि होने वाला है लेह, और लेह से लेह यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर बाकी। तो चलिए फटाफट चेक पोस्ट पर चलते हैं, अपनी बाइक की एंट्री कराते हैं, अपनी एंट्री कराते हैं, और फिर लेह के लिए निकलते हैं। यहाँ से सरचू बचा है लगभग 70-80 किलोमीटर, और लेह बचा है 290। चले चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग फिर से आ चुके हैं, दारचा चेक पोस्ट पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम लोगों को कराना है एंट्री। तो चलिए एंट्री करवाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी है, और आज हम लोग दुनिया के सबसे खतरनाक पासेस में से एक पास, बारालाचा पास क्रॉस करेंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक पास है। और उसके बाद हम लोग को पड़ेगा जिंगजिंग बार, जो कि अगेन एक बहुत ही ख़तरनाक है, पहाड़ों में जो टर्न्स होते हैं वो जिंगजिंग बार कहलाते हैं। तो वो जिंगजिंग बार पड़ेगा, ये सबसे ख़तरनाक लाहौल वैली का और हिमाचल का सबसे ख़तरनाक एरिया कहलाता है, और सबसे डेंजरस पासेस में से एक पास है बारालाचा पास, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों की सांसें थम जाती हैं, बाइक्स बेकार हो जाती हैं, और टेम्परेचर सडन ड्रिप हो जाता है। तो वहाँ का टेम्परेचर अभी तक की तो -1 -2 में चल रहा है, आगे देखते हैं क्या सीन होता है, कहीं स्नोफॉल होती है कहीं नहीं होती है, वो सब आप लोग को दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द हिम्बल व्लॉग्स, और अगर अभी तक की चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको लाइव अपडेट देता रहता हूँ। चले चलते हैं बारालाचा। दोस्तों आज का अपना पहला वाटर क्रॉसिंग आ गया है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, झरना है बल्कि, जो कि नीचे से जा रहा है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा झरना जा रहा है, और ट्रक्स यहाँ पे देख लीजिए फुल्ली लोडेड है, और ये सारे ट्रक्स जम्मू कश्मीर और लेह की तरफ जा रहे हैं सब सामान लेकर के, क्योंकि लेह वगैरह में सामान जो होता है वो नीचे से ही आता है। तो ये ट्रक है, ऐसे ही ट्रक वालों की एक कहानी और है, जो मैंने लास्ट ईयर अपने व्लॉग में बताया था, जब मैंने लास्ट ईयर लद्दाख करा था 2023 में। तो अभी जब मैं पहुँचूँगा ऊपर गाटा लूप्स में, तो 19th लूप पर ऐसी एक ट्रक वालों की कहानी है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो कहानी बहुत ही सीरियस है और बहुत ज़रूरी है सभी राइडर, सभी रोड्स पे जो चलने वाले हैं उनको जानने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, सरचू यहाँ से 67 किलोमीटर दिखा रहा है, पहुँचते हैं सरचू। तो दोस्तों लास्ट ईयर मैं इन रास्तों पे आ चुका था, तो इस वजह से अब जब मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है ये सारे रास्ते मेरे दोस्त हैं,
मेरे घर का रास्ता है, एकदम फैमिलियर, बिल्कुल अलग सा लग ही नहीं रहा, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। तो ये रास्तों पे अपना पुराना रिश्ता है, इस वजह से अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आप सभी को भी एक बार ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लाइफ में एक बार लेह लद्दाख आते हैं तो आप समझ लें दुनिया का सबसे अच्छा पल जी के जाएंगे। तो ज़रूर एक बार लेह लद्दाख ज़रूर आइए और कोशिश करिए कि बाइक राइड करिए, क्योंकि जब आप बाइक राइड करते हैं तो सिर्फ आप अपने आप में रहते हैं और आप अपने आप को जानते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ स्नो आ गई, बहुत ही ज़्यादा स्नो है, कल रात में यहाँ पे हल्का फुल्का स्नोफॉल हुआ। सो दोस्तों अभी हम लोग देखिए बारालाचा के करीब आ गए और यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नो है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है, सामने बर्फ़ का पहाड़ है और कल रात में यहीं पर स्नोफॉल हुआ था बहुत ज़बरदस्त वाला। और यहाँ पर टूरिस्ट अपना स्नो से खूब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है इस वक्त, यहाँ का टेम्परेचर 2-3 डिग्री चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंड बहुत ज़्यादा है और उसी के साथ साथ मज़े भी आ रहे हैं। तो चलते रहनी चाहिए गाड़ी और आगे बारालाचा पास आने वाला है जो कि 5 किलोमीटर बचा है। तो दोस्तों यहाँ पर जाम बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और ये अभी बारालाचा पे हम लोग हैं और यहाँ पे जाम इतना ज़बरदस्त लगा हुआ है कि एक एक करके गाड़ियाँ पास हो रही हैं। और अभी यहाँ से बारालाचा 3-4 किलोमीटर बाकी है आई थिंक, जाम बहुत कस के लगा हुआ है। तो दोस्तों आ गई यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग आ गई है तगड़ी वाली, ज़्यादा तगड़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ तगड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई है। आप देख सकते हैं ये है वाटर क्रॉसिंग, बहुत ख़तरनाक, यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है रुक रही हैं। तो अब अपनी घुसेड़ देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आराम से, बहुत आराम से निकल आई भाई, ये बहुत प्यार से निकल गई अपनी गाड़ी। सो भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं स्नो एक्टिविटी करने के लिए और सामने आप देख सकते हैं पूरी भरपूर बर्फ है और एकदम फ्रेश स्नो है यहाँ पर। और ये खड़ी अपनी बाइक्स, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी क्या है ना, हेलमेट लगा करके थोड़ा बालों का हुलिया बिगड़ गया, कोई टेंशन नहीं, तो चलिए चलते हैं बर्फ में। अब निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग सरचू और ये आप देख सकते हैं यहाँ से पांग 88 है और तांगलांगला 156। तो ये वही जगह है जहाँ पर लास्ट ईयर मैंने स्टे करा था, आपको दिखा दूँ, ये इस जगह पे मैंने कैंप लगाया था। अगर पुरानी वीडियोस आप लोग देखे हों, इस जगह पे मैंने कैंप करा था, यहाँ पर हम लोग रुके थे और ये वही वॉशरूम है। तो ये जगह मेरी बहुत पुरानी है, मैं यहाँ पर रुक चुका था लास्ट ईयर, मुझे पुरानी सारी यादें याद आ गई, यहीं पे कैंप करा था मैंने, अपना टेंट लगाया था। उसका मैं क्लिप आपको लोकेशन का मैं डाल दूंगा, आप लोग भी देखना। और लास्ट ईयर के कैंपिंग का, जो सरचू के कैंपिंग का वीडियो था, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चले कुछ खाते पीते हैं, लंच वंच करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो ऑल राइट दोस्तों, हम लोग सरचू से निकल चुके हैं और सामने का लैंडस्केप आप देख सकते हैं कि लद्दाख के पहाड़ कितने ख़तरनाक और कितने ऊंचे विशाल होते हैं। अभी बजे दोपहर के 3:10 और यहां से ले हैं 2:49, तो देखते हैं कि आज लेह तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं विस्की नाला के पास में और यहाँ पर देखिए पुल बन गया है, जिसके कारण से अब जो वाटर क्रॉसिंग थी वो ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, विस्की ब्रिज बन गया है। लास्ट टाइम पे मैंने यहाँ से एंट्री करी थी तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा वो बना हुआ था, नाला था और यहाँ पर क्रॉस करने में वाटर क्रॉसिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी इस साल यहाँ पर ब्रिज बन गया है बहुत अच्छा सा, विस्की ब्रिज के नाम से। तो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और एक पक्का पुल बन गया, तो वाटर क्रॉसिंग बिल्कुल ख़त्म होगी, वरना ये विस्की नाला जो होता है वो बहुत ख़तरनाक विस्की होता। तो अभी विस्की ब्रिज बन गया है तो बहुत अच्छा फ़ायदा, तो थैंक्स टू बीआरओ
जिन्होंने इतना अच्छा रोड बना दिया और इतना अच्छा सा ब्रिजेस बना दिए ताकि हम राइडर्स को और ड्राइवर्स को, किसी को भी आने जाने टूरिस्ट को कोई भी तकलीफ नहीं हो। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाटा लूप स्टार्ट हो गई है और यहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है वो 4201 मीटर है, जो कि 13,780 फीट होता है, और 21 गाटा लूप्स पड़ने वाले हैं। तो अब यहाँ से गाटा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो चले चलते हैं और 19वें गाटा लूप पर वो घोष टेम्पल बना हुआ, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं गाटा लूप की चढ़ाई, लेट्स गो। तो दोस्तों, इस वक्त अभी हम लोग चल रहे हैं गाटा लूप में, जो कि 21 हेयर बैंड पिंस हैं और ये दुनिया के सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक है गाटा लूप, जो कि हिमालय पर्वत की तरफ चढ़ाई कराते हैं और हम लोगों को लेह की तरफ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर 21 हेयर पिंस बैंड हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है। अगर आप ऊपर देखें तो गाड़ियाँ देखें जिग जैग करके जा रही हैं, इन्हीं को कहते हैं गाटा लूप। चले चलते हैं आगे, गाटा लूप को क्लियर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लापरवाही का नतीजा है गाटा लूप का, यहाँ पे लापरवाही अच्छी चीज़ नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर है ये 19वां लूप है और इस जगह पर एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी है। आप लोगों ने मेरे फर्स्ट व्लॉग में भी देखा होगा कि यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर भूख प्यास की वजह से ख़त्म हो गया था और उसके बाद यहाँ पर उसकी कब्र बना दी गई, और उसके बाद जब भी यहाँ से जो भी लोग निकलते हैं तो यहाँ पे पानी देते हैं, पानी डालते हैं, और यहाँ पर ये घोष टेम्पल के नाम से भी मशहूर है। तो आप कभी भी निकलें, पानी दें। मैंने लास्ट टाइम दिया था और इस बार मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास पानी नहीं है। तो यहाँ से निकलते हैं, कोई गलती हो तो माफ़ करें, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सामने वो नीचे खाई है, तो हम लोग वहाँ नीचे से होकर के आ रहे हैं पूरे गाटा लूप को क्लियर करते हुए, और रोड बहुत पतली है और बहुत डेंजर है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंजर है, पूरा नीचे की तरफ खाई है, एक गलती और सब कुछ ख़त्म। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग को मिल गए, कितने सारे, इधर देखो, इधर कितने सारे, ये है हिमालयन डियर, बहुत सारे हिमालयन डियर हैं, सब चरने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे, ये देखिए हिमालयन डियर बहुत ख़तरनाक होते हैं ये। पानस लोग गिर गए हैं बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट मार रहे थे, उसके चक्कर में मैंने मना करा था कि शॉर्टकट मत लगाओ, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में गिर गए हैं बहुत। देखिए वो नीचे रोड आ रही है, वो रोड से ना करके ये शॉर्टकट मार रहे थे और शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ से गिर गए। शॉर्टकट मत लेना, मना करा था, आप एक एक बाइक पहले आगे करो, मना करा था शॉर्टकट मत लेना। तो दोस्तों, ये जो रास्ते हैं ये बहुत ही खतरनाक और डेडलीस्ट रास्ते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स में से एक हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे ड्राइवर, अच्छे अच्छे स्किल्स वाले मात खा जाते हैं और जान गंवा बैठते हैं। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत सेफ्टी से यहाँ पे गाड़ी चलानी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों, ले मनाली हाईवे का एक और हाईएस्ट पास लाचुंगला पास हम लोग आ चुके हैं, जिसकी हाइट है 16,616 फीट। लाचुंगला पास फाइनली आ गए हैं लाचुंगला। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा ये झरना जो है पूरा जम चुका है, पूरा जमा हुआ, पूरा वाटरफॉल जमा हुआ है पूरा बर्फ़ से, बहुत ज़बरदस्त, पूरा वाटरफॉल जो है जमा हुआ है बर्फ़ से, बहुत ख़तरनाक व्यू था। इतनी ठंडी है यहाँ पर, अभी गाड़ी का टेम्परेचर जो है मेरा 6 डिग्री दिखा रहा है, गाड़ी के इंजन टेम्परेचर। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो है नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, और ये जो रोड्स है, कंडीशंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और मैंने लास्ट ईयर यहीं पर गाड़ी रोकी थी और आप लोग को दिखाया था कि सामने जो सैंड ड्यून्स के पहाड़ है वो एकदम एप्पल के वॉलपेपर जैसे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फिर से अगेन वही सैंड ड्यून्स के पहाड़ आ गए हैं, जो कि एप्पल के वॉलपेपर जैसे लगते हैं। अभी इस वक्त इस पर धूप नहीं पड़ रही, तो इस वजह से ऐसा है, जब धूप पड़ती है तो इसका लुक बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
सो दोस्तों, अब आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पूरे पहाड़ सैंड ड्यून्स के हैं, और एकदम ऐसा लग रहा है कि सामने गोल्ड के पहाड़ हों, पूरे सोने के पहाड़ से लग रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, सामने से धूप आ रही है बहुत तेज़, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पांग आ चुके हैं, और ये रहा पांग का ब्रिज, और वो ऊपर जो गांव देख रहे हैं वो है पांग। तो फाइनली पांग आ चुके हैं, ऑफ रोडिंग का रास्ता पूरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग को रास्ता अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों, पांग में आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट मिलिट्री ट्रांजिट कैंप है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये भी एक नॉलेज वाली चीज़ है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप जो है वो पांग में, जो कि नीचे की तरफ है। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मिलिट्री एरिया में फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड होता है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि पांग में वर्ल्ड का हाईएस्ट मिलिट्री ट्रांजिट कैंप होता है। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए मोरी प्लेन्स पे, और मोरी प्लेन्स का रास्ता बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, फाइनली लेह मनाली हाईवे का आखिरी पास तांगलांगला पास हम, तो गाइस अभी तांगलांगला पास क्रॉस करा, रोड कंडीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो चलिए आराम तो धीमे धीमे करके इसको पार। दोस्तों रोड बहुत ख़राब है, पूरी ब्लैक आइस है, लग रहा है हम लोग से गलती हो गई। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग 18,000 फीट के ऊपर है, और ये बर्फ़ का नज़ारा देख सकते हैं कैसा, और रोड रात। तो ऑल राइट दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं रोमस्ते में। तो रोमस्ते में एक होम स्टे में रुके हुए अंकल के, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप कभी भी अगर यहाँ ले जा रहे हो और रुकना चाहते हैं तो रोमस्ते में ठहर सकते हैं। बाकी आज का दिन बहुत ज़्यादा डेडलियस रहा, बहुत ख़तरनाक रहा, ऑक्सीजन ख़त्म हुआ, सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ, लेकिन एट फाइनली वी आर सेफ, और हम लोग अच्छे से पहुँच गए हैं होम स्टे में। और अभी अंकल ने बना के दिया बढ़िया टोमेटो सूप, गर्मी को बॉडी में गर्मी लाने के लिए, थोड़ा सा ठंडक को दूर करने के लिए। और अभी टेम्परेचर हो रहा है लगभग -5 या 6, तो इतनी ज़्यादा ठंडी में हम लोग बाइक चला कर आए, हालत बिगड़ गई। तो आज का व्लॉग मैं आगे की तरफ कंटिन्यू करता हूँ मॉर्निंग से, तो चले पहुँचते हैं लेह की तरफ और वहाँ पर अपना व्लॉग को एंड करते हैं। सो ऑल राइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोमस्ते। तो अभी हम लोग हैं रोमस्ते में, जो कि है लेह से 50 किलोमीटर पहले। तो यहाँ पे रात में रुक गए थे क्योंकि रात में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, -7-8 के करीब में टेम्परेचर हो गया था, और फिर स्टे करा। यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए निकलते हैं सीधा लेह के लिए। सो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं उपसी में, और उपसी में चेक पोस्ट है लेह में एंट्री करने के लिए, और अपने राइट साइड में बह रही इंडस रिवर। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं कारू में, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने गाड़ी में। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मनाली से लेह की तरफ आ रहे हैं तो अपनी बाइक में आप पेट्रोल फुल करा लिए मनाली में, और या तो फिर तांडी में, क्योंकि तांडी में एक पेट्रोल पंप तांडी में, दूसरा तांडी से 7 किलोमीटर आगे है, उसके बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है पूरा लेह तक की, सीधे फिर कारू में मिलेगा। तो ये लगभग 350 किलोमीटर की जो जर्नी रहेगी विदाउट पेट्रोल पंप रहेगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक में एवरेज कम है तो पेट्रोल ज़रूर से ज़रूर डला लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग भी फुल कराते हैं और फिर निकलते हैं दोस्तों। सो ऑल राइट दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं त्याक्षी मोनेस्ट्री में, जो कि लेह की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, और बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री है ये। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मोनेस्ट्री है, जैसे हम लोग ने स्पीति में की मोनेस्ट्री देखी थी उसी तरीके से ये त्याक्षी मोनेस्ट्री है। काफ़ी प्यारी मोनेस्ट्री है और बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है ये, यानी लेह की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री आप देख सकते हैं सामने बनी हुई है, और उसका रास्ता पूरा पहाड़ों से होते हुए जाता है। तो ये त्याक्षी है, त्याक्षी मोनेस्ट्री, जो कि लेह से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले पड़ती है। ऑफिशियली लेह में एंट्री कर चुके हैं, और देख सकते हैं कितना प्यारा एंट्री है लेह का, बहुत ही प्यारा गेट है लेह का। लेह में एंट्री हो गई, और सामने लेफ्ट साइड में वुलन की मार्केट है, रोड साइड मार्केट है, काफ़ी अच्छी है, राइड लेना है। तो चलिए चलते हैं होटल में, पहुँचते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग को लेह में अपने शहर के लखनऊ के लोग मिल गए, बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर साहब मिली, उनके हस्बैंड भी मिले, बड़ा मज़ा आया। बाइक रोक करके इन्होंने तुरंत पहचान लिया नंबर प्लेट देख करके अपनी। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके अपने होम स्टे में लेह में,
और ये आंटी हैं सामने, इनका गार्डन एरिया देखिए कितना अच्छा, पूरे घर के अंदर ही पूरी खेती कर रखी है आंटी ने। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट रूम में चेक इन करते हैं, उसके बाद आगे के बात करते हैं। सो ऑलराइट दोस्तों, हम लोग होम स्टे में चेक इन कर चुके हैं और ये होम स्टे अपना अब तक का सबसे अच्छा और बेस्ट रहा है। तो रूम कुछ इस तरीके का है, बहुत ही कोजी है, ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा रूम है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, रूम के जस्ट सामने है इतना प्यारा सा नज़ारा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा, सामने माउंटेन रेंज दिख रही है, पूरा गार्डन है और यहाँ पे अपनी बाइक्स भी दिख रही हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कर देगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।